नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रभावशाली व्यक्तित्व पुरस्कार 2024 दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कौशल, समर्पण और प्रयासों से हमारे देश और समाज की प्रगति में योगदान दिया है। कार्यक्रम का आयोजन अग्रणी सामाजिक संगठन वोकल फॉर लोकल टैलेंट प्रमोटर्स द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, टीवी अभिनेत्री विनीता मलिक, मैकोवर बॉय नाजिया के संस्थापक नाजिया जफर एवं डॉक्टर संजीव शर्मा, संयुक्त सचिव लोकसभा की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत शानदार बना दिया। अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वरिष्ठ डेंटल सर्जन डॉक्टर रजनी वरदान, समीधा फाउंडेशन की संचालन प्रमुख मिस करिश्मा सेठी, प्रेमजीत आयुर्वेद के संस्थापक डॉक्टर रेणु महलावत, अलवी परिवार फाउंडेशन एनजीओ के मुख्य ट्रस्टी मोहम्मद आसिफ, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर श्वेता वाधवा एवं अन्य प्रतिभावान प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। संस्था की संस्थापक सदस्य पूनम सोनी ने बताया कि वोकल फॉर लोकल टैलेंट प्रमोटर संगठन स्थानीय प्रतिभाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए सतत कार्यरत है और संगठन भविष्य में भी ऐसे आयोजन करेंगे जहां स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान और अवसर मिले। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों, पुरस्कार विजेताओं और गिफ्टिंग पार्टनर नीलकंठ हॉस्पिटल एवं सांस्कृतिक सहयोगी समीधा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। एक नई दुनिया में आई हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ और ये जानने के लिए कि उनमें कितना कैलिबर है और ये सब कहाँ छुपे हुए थे। ये तो क्रेडिट गोज टू पूनम एंड हर हस्बैंड विपिन जी के, उनको ढूंढ ढूंढ के, जैसे कहते ना समुद्र में गोते खाए और मोती निकाल के लेकर आए। और बहुत अच्छा लगा कि इतने हुनर वाले लोग हैं सबको, और मैं तो यही कहूँगी कि सबके हुनर को मेरा सलाम। मैं विनीता मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैम आप आए और इन सबको मोटिवेट करा, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। मैं यही बोलती हूँ कि अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपने आप भगवान फल देता है और उसी का एक रूप है जो हमें आज सम्मानित किया गया है।